नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था सुपरपोजिशन, और हमने दोस्तों कुछ देखा था कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो दोस्तों हम वहां पे आपको चर्चा किया था कि अगर आपको करंट सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, वोल्टेज सोर्स से अगर बात की जाए कि वोल्टेज सोर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो दोस्तों आपको बताना है जीरो होता है। अगर आपको पूछा कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है तो दोस्तों आपको बताना है मैक्स मिनिमम होता है, आपको जीरो नहीं बताना है। उसी तरह करंट सोर्स की बात करें, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो दोस्तों आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों मैक्सिमम होता है, इनफाइनाइट उसको नहीं बोलते। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हम कभी भी जब कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, तो दोस्तों हम लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोई हमारा वोल्टेज सोर्स हो उसको करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सही मित्रों। और हमने सुपरपोजिशन आपको पढ़ाया था, और सुपरपोजिशन में मैंने बताया था आपको कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने पढ़ा था कि अप्लीकेबल किसके लिए है। दोस्तों पहला तो आपको कंपटीशन में ऐसी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो एप्लीकेबल किसके लिए, तो दोस्तों एप्लीकेबल जो है वो लीनियर तथा बायलेटरल एलिमेंट के लिए है, यानी कि नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, हम सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर को कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी नॉट कैलकुलेट द पावर ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, सही दोस्तों। अगर तीसरी बात की जाए दोस्तों, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा हम किसी भी ब्रांच में इजीली करंट को फाइंड करते हैं, सही दोस्तों। अगर हमने बताया था कोई करंट सोर्स है तो दोस्तों जब हम उसको सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं तो उसको ओपन मानते हैं, लेकिन जब कोई वोल्टेज सोर्स होता है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं जब उसको वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं। तो आई होप लास्ट लेक्चर देखिए और सुपरपोजिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप उसको करिए, नहीं समझ में आता तो, और मैं जहाँ तक कि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ अच्छे जो क्वेश्चन आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं मैं उसको कराऊंगा। और दोस्तों मैं बार बार यही बात करता हूँ कि सबसे पहले आप वीडियो देखते हो दोस्तों, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि हम चीज़ें जितना जल्दी कोई चीज़ समझते हैं उसको उतना ही जल्दी हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों आप सिर्फ वीडियो देख के, आप ऐसा ना कि हम वीडियो देख लिए मुझे समझ में आ गया, चीज़ें समझ में आ जाती हैं, आप उसको डेली डेली नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, तो आपके लिए बेटर होगा। तो दोस्तों आज का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थेवेनिन थ्योरम। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थेवेनिन थ्योरम। तो दोस्तों थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, यानी थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी टू पोर्ट नेटवर्क को, यानी दो पोर्ट, मैंने कहने का मतलब टू टर्मिनल वाले नेटवर्क को, किसी भी टू टर्मिनल वाले नेटवर्क को एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि कई सारे जो सोर्स होते हैं एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और कई सारे जो हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे उसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे जिसको बोल लेते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। यानी वोल्टेज सोर्स जो भी हमारे हैं, यानी सोर्स को एक हम वोल्टेज सोर्स कहने थेवेनिन वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, और जितने भी हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे यानी जिनको बोल सकते हैं पैसिव एलिमेंट हैं, इनको दोस्तों हम एक थेवेनिन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। तो यहाँ से दोस्तों आपको दो क्वेश्चन पॉइंट हो सकते हैं कि एनी लीनियर बाइलेटरल, यानी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि लीनियर और बाइलेटरल कहने का मतलब कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो लीनियर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। दूसरा बाइलेटरल नेटवर्क, हमने कई बार आपको दोस्तों हर वीडियो में बताता हूं कि बाइलेटरल का मतलब है कि बाइलेटरल जिसमें बैटरी का टर्मिनल, अगर कोई एलिमेंट है जैसा कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को मैंने एक बैटरी से कन्वर्ट कर दिया, उस कंडीशन में भी जो इसका अभिलक्षण मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, बैटरी इस कंडीशन में भी लोड ऑपरेट होगा, लोड में करंट जाएगी, फ्लो होगी, और हम अगर बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दे रहे हैं तो भी इस कंडीशन में ये क्रिया, ये मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं हो रहा है। यानी अगर हम बैटरी का टर्मिनल चेंज करने से अभिलक्षण यानी लोड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यानी सर्किट के, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं बाइलेटरल एलिमेंट। तो दोस्तों रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये हमारे बाइलेटरल एलिमेंट है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इसका जो प्रयोग है थेवेनिन थ्योरम का, लीनियर तथा बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग
वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस, समझिए, वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। हमने क्या बोला कि हमारे पास जो भी वोल्टेज सोर्स रहेंगे, सही दोस्तों, या करंट सोर्स है, उसको एक सिंगल एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। अगर वो करंट सोर्स है तो भी, जैसे दो तीन करंट सोर्स हैं या दो तीन वोल्टेज सोर्स एक साथ में लगे हुए हैं, करंट और वोल्टेज सोर्स एक साथ में लगा हुआ है, तो हमारा श्रेय रहेगा कि हम उस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को एक वोल्टेज इक्विवेलेंट सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें इन द सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल अक्रॉस इट्स टर्मिनल। मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है उसको इस थेवेनिन वोल्टेज जो बनाना है हमें, थेवेनिन वोल्टेज के सीरीज में इंक्लूड करना है। जैसा कि हम बात करें दोस्तों, देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें, ये मेरे पास एक टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है दोस्तों। इसको क्या करना, अगर इसके सपोज कर लो ए बी दो पॉइंट हैं और यहाँ पे हमारा कोई भी लोड लगा है, वेरिएबल लोड लगा है दोस्तों, सही दोस्तों, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। तो जब कभी लोड रेजिस्टेंस लगा है तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, हमने बोला ना किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक कैसा करेंगे, देखिए दोस्तों, इसको हम कन्वर्ट करने वाले, जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा सर्किट उसको हम एक वोल्टेज सोर्स यानी जिसको हम VTH बोलेंगे और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसको एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, जिसे अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसे हम RTH बोलेंगे, सही दोस्तों। और हमारा ये क्या है, लोड है, ये हमारा लोड RL है। तो दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों थेवेनिन थ्योरम। दोस्तों थेवेनिन थ्योरम से कई सारे क्वेश्चन हम इजीली अवेलेबल मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसा होता और इसकी जो फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, सही है। तो दोस्तों ये हमारा VTH है, ये RTH है, RTH को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस और VTH को बोलते हैं दोस्तों थेवेनिन वोल्टेज। अगर बात की जाए इसकी तो दोस्तों ये हमारा क्या है, टू टर्मिनल, जब हमने लिखा टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सर्किट, या सर्किट कैसा हो सकता है ये दोस्तों, लीनियर एंड बाई लेटरल नेटवर्क, या इसको बोलते हैं दोस्तों एक्टिव, सही है, इसको बोलते हैं एक्टिव सोर्स या एक्टिव नेटवर्क। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको, एक्टिव नेटवर्क या लीनियर बाई लेटरल नेटवर्क है। इसमें टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क है उसको दोस्तों अगर लोड ऐड है उससे तो उसको हम एक्विवेलेंट सर्किट, यानी कई सारे हमने जो टर्मिनल बैटरी सोर्स रहेंगे, सप्लाई सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, जैसा मैंने लिखा है ना, रिप्लेस बाई, यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट सोर्स कैन बी रिप्लेस बाई सिंगल इक्विवेलेंट, मतलब सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास कई जो भी करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स को, इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देना है, तथा जैसा कि मैंने यहाँ किया और RTH। तो दोस्तों ये देखते हैं कि रियली में फाइंड कैसे किया जाता है, सही है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड, जैसा कि ये मेरा एक नेटवर्क है जो कि हमें इसको एक थेवेनिन नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको स्टडी करते हैं कि इस नेटवर्क को हम कैसे थेवेनिन नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों कि इसको हम कैसे थेवेनिन नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सोर्स है और इसमें कई सारे हमारे रेजिस्टेंस हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस को जब हम आगे सॉल्व कराएंगे तो इसको साथ में लिया जाता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सपोज कर लो ये पॉइंट है ए बी सी डी ई और एफ, ये कोई भी हमने पॉइंट मान लिया, कुछ भी हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप ये यहीं से मानेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट में क्या है, पहला स्टेप ये है कि रिमूव द लोड। सबसे पहले हमें क्या करना है, लोड को रिमूव करना है, सही दोस्तों, एंड सर्किट विल ओपन, और सर्किट को ओपन करके ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है, यानी फर्स्ट में क्या करना, फर्स्ट स्टेप में, यानी रिमूव द लोड
resistance, remove the load resistance and find, क्या find करना है दोस्तों, हमें load resistance को हटाना है और find करना है open circuit voltage, open circuit voltage, open circuit voltage, इसको बोलेंगे VOC, सही दोस्तों। और यही जो VOC होगा दोस्तों, इसी को हम बोलेंगे VTH, क्योंकि आपको पता है ये पैरेलल में होगा कोई भी वोल्टेज, तो पैरेलल में वोल्टेज समान होते हैं, सही है। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को हटाना है। चलो इस भाई साहब को कान पकड़ो और उठा के कहीं रख देते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट केस, हमारे दोस्तों ये ई वोल्ट की बैटरी है, सही है, और मेरा ये हमारा इंटरनल एक रेजिस्टेंस है, और हमने स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज आर वन, और दोस्तों ये हमारा आर टू, दिस इज ई, सही दोस्तों। अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, ओपन कर दिया, यानी ओपन कर दिया तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, वी ओ सी। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और यही जो ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा वही हमारा ई के बराबर VTH होगा, सही दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम VTH के कैसे पता करें, तो देखिए हमें फाइंड करना है VOC, क्या निकलना है VOC इक्वल टू, यानी ये हमारा टर्मिनल C और D था, यानी VCD, यानी C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको, C और D टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा दोस्तों, जब इसमें जाने वाली धारा I तथा R2 में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, R2 में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, यानी I इंटू आर टू, आर टू क्या है, रजिस्टेंस R2 है, जो वोल्टेज ड्राफ्ट निकालना है हमें, क्या निकालना है वोल्टेज ड्राफ्ट। तो दोस्तों चलिए R2 तो पता है कि R2 है, ये रजिस्टेंस I है, यानी वोल्टेज ड्राफ्ट फाइंड करना है बी सी डी निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है I कैसे निकालेंगे, फाइंड I, तो देखिए दोस्तों हमें I निकालना है, तो I इक्वल टू होता है, देखिए आप एक बात बताइए, अगर इधर कोई रेजिस्टेंस भी हमारा लगा होता तो भी ये ओपन है, आपको पता है कि ओपन सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, यानी अगर इधर कोई करंट जाने वाली नहीं है, कोई भी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, देखिए ये ओपन है, सही है, तो ओपन है तो सारी करंट ऐसे मूव हो जाएगी इसमें, तो ये दोस्तों सीरीज में जा रही है, करंट किसी में सीरीज में समान होगी। तो दोस्तों आई बराबर हमें क्या निकालना होगा, आप ओम का नियम पढ़ते हैं कि वी अपान आर होता, तो यहाँ वी की जगह पे हमने ई लिखा है, जो हमारा ईएमएफ है, यानी वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी ये सप्लाई वोल्टेज है, और आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो तीनों किस में दोस्तों, सीरीज में, आर वन प्लस आर टू प्लस स्मॉल आर, ये दोस्तों हमको करंट आई निकल जाएगी, सही है। ये हमने करंट कैसे फाइंड किया, कि ये करंट हमको निकल गई, तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं वी ओ सी इक्वल टू I, I का मान यहाँ से रख सकते हो आप, E अपान R1 वन प्लस आर टू प्लस स्मॉल आर इंटू आर टू, सही, दिस इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आप R2 टू इंटू ई टू अपान ई सॉरी E अपान R1 वन प्लस आर टू प्लस स्मॉल आर। दोस्तों ये हमारा VOC, यानी इसी VOC का हम क्या बोलने वाले हैं, VTH, ये क्या मिल गया हमको VTH, VTH दोस्तों ये मिल गया हमको क्या VTH, थेवेनिन वोल्टेज। हमने क्या किया कि अगर दोस्तों अभी हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो दो दो तीन तीन बैटरी लेके कंडीशन दिखा देंगे कि दो तीन बैटरी जितनी भी बैटरियां लगी हों उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ तो हमको मिल गया कि VTH, सही है, मैंने थेवेनिन वोल्टेज ज्ञात कर लिया, अभी हमें चाहिए थेवेनिन रेजिस्टेंस, सही है। तो दोस्तों सेकेंड केस क्या करती है, हम बात करेंगे केस सेकेंड की, यानी स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड स्टेप कर लीजिए, केस कर लीजिए, आपके ऊपर है, जो भी मान लीजिए, सही है, कंडीशन मान लीजिए। तो दोस्तों सेकंड स्टेप क्या करना है, जब हमने VOC फाइंड कर लिया तो अब क्या करना, रिमूव द बैटरी, रिमूव द बैटरी ई, यानी ई वोल्ट की जो बैटरी है उसको दोस्तों रिमूव करना है, एंड जो सर्किट है उसको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, यानी लिख सकते हैं सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देना है, सही है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सही है, बैटरी को हटाना है और सर्किट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो दोस्तों देखिए
हमें क्या फाइंड करना है, आरटीएच, सही है। अब देख रहे हैं हम यहां क्या आगे जा रहा है, आप यहां मत देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस लोड रेजिस्टेंस को कहीं उठा के रख लो। सपोज करो इस केस का हमने लोड रेजिस्टेंस यहां उठा के रख लिया है, जब लास्ट में हम इसको जोड़ देंगे, ये ठीक है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हमने उठा के यहां रख दिया है, सही, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, सही। अब देखिए इस रिमूव कर दिया बैटरी को, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू। और दोस्तों यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम रिमूव करेंगे बैटरी तो आपको एक बात याद रखनी है कि यदि आप बैटरी रिमूव कर रहे हो, अगर क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, अगर दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको सर्किट में ही रख के कैलकुलेट करना है, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। क्योंकि हमें जब बैटरी के साथ इंटरनल, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहीं पर लिख देता है, लिख देगा 5 वोल्ट 1 ओम ऐसे लिख देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ समझ लेना है कि 1 ओम इसके बगल में जो लिखा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो दोस्तों आपको गलती नहीं करना है, ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर ऐसे देता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आपको सर्किट में छोड़ना है। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, सही है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, सही भैया, समझ में आ रहा है ना, सही है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें करना क्या है कि जब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड, अब हमें देखना है इधर से, सही है, अब हमें देखना किधर से, इधर से देखो, ये आँखें हैं क्या, देखो ये आँखें हैं, ये आँखें बन गई ना, हम इधर से देख रहे हैं, फील करो इधर से देख रहे हैं, देखो जब भाई साहब आप इसको इधर से निहार रहे हो ना, देख रहे हो ना, तो आपको कुछ लगेगा कि करंट जो है बट रही है, ये दोनों सीरीज में दिख रहे होंगे और ये पैरेलल में, आप देख लीजिए, फील करिए, फील मैं आपको फील कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जब आप इधर से देखोगे दोस्तों तो आपको लगेगा ये दोनों सीरीज में हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, चूंकि आर वन सीरीज, लिख सकते हैं आर वन एंड स्मॉल आर इन सीरीज, इन सीरीज, तो अक्रॉस जो रेजिस्टेंस निकलेगा तो जो दोस्तों इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस स्मॉल आर। बट हम देखेंगे कि जो, सही मित्रों, अगर हम बात करें आर वन प्लस स्मॉल आर पैरेलल किसके हैं, R2 के। देखिए दोस्तों ये इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब हमने बताया था जहाँ पे तीन वायर मिनिमम मिल रहे हैं तो वहाँ पे नोड या जंक्शन बन जाता है, और जहाँ पे जंक्शन बन गया वहाँ पे, समझ रहे हो, करंट डिवाइड हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। दोस्तों आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, हम इसको मिटा दें। जैसा कि हमने देखा कि हमने क्या करना है, RTH फाइंड करना, क्या करना है, RTH। यहाँ से हम करते हैं दोस्तों RTH फाइंड, सही है, हमें फाइंड करना RTH। तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस स्मॉल R पैरेलल किसके हैं, R2 के। तो दोस्तों RTH बराबर हो जाएगा, इसको आप फाइंड करोगे तो आपको पता है पैरेलल में है, तो हो जाएगा R1 प्लस स्मॉल R इंटू R2 अपान R1 प्लस स्मॉल R प्लस R2, सही है, ये हमको मिल गया दोस्तों। पैरेलल में अब वन अपान भी करके कर सकते हो, ये आपको पता है दो चीज़ें जब पैरेलल में होती हैं, यहाँ दोस्तों इन दोनों पाइयों का मतलब है पैरेलल, पैरेलल, सही दोस्तों, पैरेलल में है। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे डायरेक्ट फार्मूला, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो, मैंने कई बार बताया आपको। तो दोस्तों अब देखिए हमको VTH मिल गया, RTH मिल गया, हमको VTH भी मिल गया, RTH मिल गया। हमने किया क्या कि जितने भी रेजिस्टेंस है उसको एक तुल्य रेजिस्टेंस में, इस सर्किट को कुछ ऐसा बना दिया, ये जो हमारे सप्लाई था इसको हमने VTH में बदल दिया है दोस्तों, और यहाँ पे जो था ये हमारा हो गया RTH। ये सारे रेजिस्टेंसों को जो वैल्यू आएगी हमने RTH बना लिया, और ये हमने फिर लास्ट में क्या किया दोस्तों, इस लोड को ला के जोड़ दिया। उस लोड को देखिए यहाँ पर बेचारा पड़ा था अकेले, इसको उठा लाए, तो दोस्तों ऐसे देखिए इसको हम लाए, कभी से कह रहा था कि मुझे तो भगा दिए घर से, तो हम कहें नहीं टेंशन ना लो अब हम ले आएंगे घर पे, ले आए वापस जोड़ दिए, सही है, जोड़ दिए RL। तो दोस्तों ये VTH हो गया, यानी VTH हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को, एक इस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स आता है जिसको VTH बोलते हैं, और सिक्स एक रेजिस्टेंस, हमने कई सारे रेजिस्टेंस को एक केस में जोड़ दिया, थेवेनिन रेजिस्टेंस में
हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अगर बात की जाए, अब बताओ दोस्तों इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, करंट कितनी फाइंड की जाएगी, तो आप कहोगे सर ये सिंपल तो है, अब तो ईजी है, आई बराबर वी अपान आर होता है, वी के जगह पे है वी टी एच अपान, ये हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो आर टी एच प्लस आर एल, ये दोस्तों हमारा फाइंड हो गया करंट। तो दोस्तों आप देखा, हमने क्या देखा अभी, थेवेनिन प्रमेय। तो दोस्तों हम इस तरह थेवेनिन प्रमेय का जो फार्मूला है, जो जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस प्रोसेस को समझें, स्टैंडर्ड रूल समझें, अब हम थेवेनिन से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो दोस्तों ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है और इसको कह रहा है थेवेनिन प्रमेय करना है। कैसे करना है दोस्तों, थेवेनिन प्रमेय से, क्योंकि आप इसमें, और हमें फाइंड क्या करना है, लोड में करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, कि इस लोड रेजिस्टेंस में करंट कितनी फाइंड हो रही है, और इसको हम करने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले देखा थेवेनिन थ्योरम, तो दोस्तों उसी थ्योरम से, उसी प्रोसेस से करते हैं ये क्वेश्चन कैसा होगा। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये यहाँ पे हमने बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन देखा, इसमें बैटरी नहीं लगाया है, देखिए 1 ओम लिखा है, तो आपको क्या समझना है कि दिस इज 1 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये जो 1 ओम है ना, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सही दोस्तों। तो हमें इसको भी सॉल्व कर लेके चलना है। तो सबसे पहले केस में हमने बताया था, पहला स्टेप होता है, जो पहला आपका स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि रिमूव द लोड रेजिस्टेंस और सर्किट क्या करना है दोस्तों, ओपन कर देना है, और सर्किट को क्या करना है, ओपन करना है, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज करना है, एंड फाइंड वी ओ सी, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज को हमें फाइंड करना है। इतनी बात समझ में, तो चलो वही करते हैं। इस भाई साहब का कान पकड़ो, उठा के इधर रख दो, कह दो भाई कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ किसी घर पे, फिर बाद में आ जाना, हाँ हाँ खाओ किसी घर पे, हाँ भाई साहब को भेज दिया मैंने, चलो अभी इनको ले आएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तब, अभी तो दिक्कत थी भेज दिया, उनको भी मजे आ रहे हैं, घूमने दो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम इधर देखते हैं, अब ये चले गए तो ये उदास हो गया भाई, जब घर से कोई चला जाता है तो थोड़ा उदासी छा जाती है, अब भाई साहब को देखो उदासी छा जाएगी, लल्लू प्रसाद उदास हो जाएंगे, एकदम उदास, देखो कैसे बैठ जाएंगे, हाँ गायब हो गया ना, ये खाली हो जाएगा घर, एकदम खाली होने से इधर कोई करंट भी नहीं जाएगी, वो बोलेंगे करंट हम नहीं जाऊँगे, उधर कोई तो है ही नहीं, उधर तो भूत कहता है भूत, देखो कैसे ऐसे देखो, जब भाई इनको जुदा कर दिए, इनको भेज दिए, कहीं चला गया बेचारा, तो इधर तो ओपन हो गया ना दोस्तों, अब जब ओपन हो गया तो अभी करंट कहेगी मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि उधर तो कोई है ही नहीं, जान थोड़ी अपनी देनी है, चलो अब करंट भी नहीं जाएगी, यानी ये हमको फाइंड क्या करना, वी ओ सी, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना है, दिस इज ओपन है, वी ओ सी फाइंड करना है। तो दोस्तों जैसा आपको हमने बताया था कि आपको, देखिए हमने एक बात बताया था, जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो दोस्तों ये देखो ऐसा करना है, दिस इज वन ओम, दिस इज वन ओम, दिस इज 12 वोल्ट की बैटरी दिया है, ये 5 ओम दिया है, और ये दिया है दोस्तों 12 ओम, सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, दिस इक्वल टू, हाँ हमें क्या करना, वी ओ सी फाइंड करना है, तो वी ओ सी इक्वल टू, मतलब इस परिपथ में जो इधर कोई करंट नहीं जाएगी तो ये सीरीज में हो जाएगा सब, अगर कोई सीरीज में सब हो गए तो यानी जो करंट यहाँ जाएगी, जो करंट यहाँ जाएगी, यानी आई इंटू इस रेजिस्टेंस में, क्योंकि पैरलर में वोल्टेज समान होता है, पैरलर आर टू में वोल्टेज ड्राफ्ट, जो आर टू ओम का रेजिस्टेंस उसमें वोल्टेज ड्राफ्ट कितना हो रहा है, यानी आर टू लिख सकते हो इसको 12 ओम, सही है, आई इंटू 12 ओम ऐसे कर सकते हो, आई इंटू 12 ओम में वोल्टेज ड्राफ्ट ज्ञात करना है, वोल्टेज ड्राफ्ट, सही है, यानी 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्राफ्ट कैसे निकलेगा, आई इंटू आर टू करोगे, आर करोगे, वहाँ पे आर टू करते थे, यहाँ पे आर कर दिया। तो दोस्तों देखो अब सबसे बड़ी बात है, करंट कैसे आएगी, ये धारा कैसे आएगी, ये इधर नहीं जाएगी लेकिन इधर तो घूमेगी ना, तो चलो देखो आई निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, ओम के एक साहब कहते हैं कि जो वोल्टेज है बटे कितने रेजिस्टेंस उसका भाग दिला दो आ जाएगी करंट। तो दोस्तों देखो ये तीनों किस्में सीरीज में, चूंकि 5 ओम प्लस 12 ओम प्लस 1
सभी किसमें दोस्तों, सीरीज में है, इसीलिए सीरीज में आपको होता है सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। और सभी रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो किसमें, सीरीज में जुड़ोगे रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएंगे 6 18 हो जाएगा, कितना हो गया दोस्तों 18 18 ओम। तीनों रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ सकते हो, 5 1 6 6 12 6 18 18 ओम हो गया। तो दोस्तों फार्मूला ई अपान आर होता है, अगर कोई फार्मूला ऐसे देखा जाए ओम का नियम, तो ई दिया दोस्तों 12 वोल्ट मत लिखो, 12 ही लिख दो, और दोस्तों ये तीनों को जोड़ दिया तो 18 आ गया, इसको काट दोगे तो 6 2 12 36 18 2/3 क्या आ गया, करंट आ गया। इस आई का जो मान है दोस्तों ना, इस आई का मान वीओसी में रख दो, तो वीओसी यानी इसी को दोस्तों आगे जाके वीटीएच बोलेंगे, वीओसी बराबर हो जाएगा, आई का मान रख दिया 2/3 × 12 कर दिया दोस्तों, देखिए 3 4 12 और 4 2 8 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट सही है, 8 वोल्ट आ गया, यानी दोस्तों इसी को बोलते हैं वीटीएच। यानी दोस्तों हमने जो था वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स को वीटीएच में कन्वर्ट कर दिया, ये वीटीएच कितना 8 वोल्ट आया। लास्ट में इन साहब को जोड़ेंगे, अभी यहीं रहने दो, सही है। चलो आगे देखते हैं कंडीशन क्या होती है, आगे क्या करना है कि अब हमें फाइंड करना है आरटीएच। क्या दोस्तों फाइंड करना है आरटीएच, तो आरटीएच कैसे करेंगे देखिए, हमने देखिए वीटीएच कैलकुलेट कर लिया, अब हमें फाइंड करना है आरटीएच। देखिए अब फाइंड करना सेकंड केस, यानी क्या फाइंड करना है हमें आरटीएच। अगर हमें दोस्तों आरटीएच फाइंड करना है, तो हमें आपको बताया था इस केस में क्या करना है कि आपने रिमूव तो इसको पहले ही करके रखा है, आपने इसको रिमूव तो पहले करके रखा है, ये तो स्टार्टिंग केस की कंडीशन है, सही है। तो आरटीएच में क्या करना है कि रिमूव द बैटरी सोर्स, जो बैटरी सोर्स है दोस्तों उसको रिमूव कर देना है, और सर्किट को क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट, समझिए बैटरी को रिमूव कराना है और सर्किट को क्या करना है हमें, शॉर्ट सर्किट करना है। तो देखिए बैटरी को हमने कर दिया रिमूव और इसको कराना है शॉर्ट सर्किट, तो देखिए करते हैं, बैटरी हटा दिया, लेकिन हमने एक बात बताया था आपको कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दिया रहेगा दोस्तों, उसको जरूर लिखना है सर्किट में, उसको नहीं हटाना है बैटरी के साथ। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे छोड़ दो 1 ओम, और दोस्तों ये देखिए ये 5 ओम और ये था आपका 12 ओम, दिस इज ओपन। हमने बताया कि जब आपको आरटीएच चाहिए तो आप कुछ इधर से देखो, ऐसे इधर आरटीएच देखो, ऐसे करके देखो इधर साइड से, तो दोस्तों आप जब इधर से देखोगे आपको लगेगा ये दोनों किसमें है, सीरीज में, किसमें सीरीज में, 5 1 6 हो जाएगा, और दो सीरीज में, लेकिन यहाँ पे 12 इन दोनों के पैरेलल में हो जाएगा, यानी कह दोगे 6 पैरेलल 12। जब 6 पैरेलल 12 को सॉल्व करोगे दोस्तों, 6 और 12 एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो आपको पता है 6 × 12 / 6 + 12। अच्छा ये कैसे होता है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो दोस्तों उन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो और दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा, सही है। तो करा दिया हमने, देखो 6 12 6 72 और ये दोस्तों हो जाएगा 12 6 18 18 2 36 36 2 72 18 4 72 ये क्या गया दोस्तों ओम। देखिए हमको रेजिस्टेंस भी कितना मिल गया, 4 ओम, कितना मिल गया दोस्तों 4 ओम, यानी आरटीएच मिल गया। ये क्या मिल गया उसको दोस्तों, आरटीएच। आप देखिए वीटीएच भी मिल गया, आरटीएच भी मिल गया, तो लोड में करंट तो फाइंड कर ही लेंगे, जैसे करेंगे देखो यहीं पे बनाते हैं। यानी जितना भी रेजिस्टेंस था दोस्तों, जितना भी रेजिस्टेंस था, देखिए हमें क्या क्या मिला, हमें एक मिल चुका है वीटीएच, क्या मिल चुका है वीटीएच, और वीटीएच को कितना वोल्ट लिख रहे हैं वहाँ भी देखिए 8 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट की सप्लाई मिल गई। और आरटीएच कुछ यहाँ पे पहला डायग्राम आप स्टैंडर्ड वाला ये देखिएगा, हमने कुछ ऐसा बनाया था, इसको वीटीएच बोल रहे थे, दिस इज आरटीएच, दिस इज दोस्तों यहाँ पे हमने लोड को ऐड किया था लोड, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस होता था, और इसमें हम करंट फाइंड करते थे इसमें, तो दोस्तों वैसे ही बनाना है। हमें आरटीएच की जगह पर क्या फाइंड किया है, हमने आरटीएच का 4 ओम, और दोस्तों ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस, यानी लोड रेजिस्टेंस, फिर इसको बेचारे को ले आओ यहाँ पे जोड़ दो, ये 15 हो जाएगा 15 ओम। अब दोस्तों इसमें करंट, क्योंकि ये श्रेणी में है, तो जो करंट 4 ओम में जाएगी वही 15 ओम में जाएगी, तो दोस्तों अब सिंपल हो गया, यानी करंट फाइंड करने के लिए टोटल वोल्टेज यानी वीटीएच बटे आरटीएच प्लस आरईएल, फार्मूला आपको पता ही है, वीटीएच आपका 8 ओम है बटे सॉरी 8 वोल्ट है बटे ये दोनों को जोड़ोगे 15 + 4, दिस इक्वल टू 8/15 + 4 हो जाएगा 19। देखो दोस्तों 19 हुआ, और डिवाइड कराओ कितना आएगा, पॉइंट में आएगा,
पॉइंट लगाओगे तो दोस्तों हो जाएगा 80, 18 पाँच 90, 18 चौके 72, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा दोस्तों, आगे तक जाएगा हम इतना लिख रहे हैं 0.4 एम्पियर। दोस्तों आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम आपको एकदम इजी से इजी तरीके समझा रहा हूँ दोस्तों, आप इन चीज़ों को जितना अच्छे समझते हैं प्लीज़ उसको नोट करते चलिए, क्योंकि नोट्स मैं हर वीडियो में अपने ही बोलता हूँ कि आप दोस्तों प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये गलती मत करिए विदाउट नोट्स से पढ़ाई मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिख के पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलती दोस्तों। आप लिखा करो, टाइम रहे तो खूब लिखो, मैथ लगाओ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और लाइक किया करिए और कमेंट तो ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे लगे कि आप हमसे जुड़े हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर सपोज कर लिए सर्किट में, अभी बोलोगे सर जी ये तो सेम कॉपी कर दिया आपने, वही जो तरीका बताया उसी को सॉल्व कर दिया, लेकिन सर जी ये बताइए जब डबल बैटरी आएगी तो उसको कैसे एक सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, डबल बैटरी वाला एक क्वेश्चन बताइए। चलिए हम आगे देखते हैं डबल बैटरी वाला एक क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने जैसे पहला क्वेश्चन बताया तो उसमें एक सिंगल सोर्स था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डबल सोर्स हैं, यानी डबल वोल्टेज सोर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इसको थेवेनिन प्रमेय सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको और थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, करंट का मान ज्ञात करना हमें, केबीएल केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, सही सो दोस्तों सुपरपोजिशन भी लगा सकते थे, लेकिन दोस्तों हमें कह रहा है थेवेनिन प्रमेय से कैसे सॉल्व करें, थेवेनिन प्रमेय से इजीली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, यहाँ डबल बैटरी से आप डरिए ना, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है, पुराने लोगों का स्टाइल सुना है। हाँ तो देखिए डर के आगे जीत है, कैसे जीत है देखते हैं। अब देखो भाई यहां पे बात करते हैं डबल बैटरी है, उससे पहले हमें कंडीशन वही फॉलो करना है जो हम करते हैं, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहला कंडीशन रिमूव का करना है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, रिमूव कर दिया, आरएल इक्वल टू 4 ओम को हमने क्या किया रिमूव, इन भाई साहब को उठा के यहां पर रख दिया, चलो अब बैठे रहो, जब काम हो जाएगा मेरा तो बुला लूंगा आपको, चलो बैठने दो, टेंशन ना लो तुम, उनको बैठने दो। अब देखते हैं हमारे कुछ सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चूंकि 0 ओम रेजिस्टेंस दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना नहीं है, ये 3 ओम है दोस्तों और ये हमारी बैटरी है, ये हमारा 3 ओम है, 3 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ ओम का रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड और सर्किट क्या करना है, सर्किट विल ओपन, सर्किट विल, सर्किट क्या करना है दोस्तों ओपन, सर्किट क्या करना है हमें ओपन करना है, सर्किट को ओपन कर देना है, यानी हमें फाइंड क्या करना होगा यहाँ से, फाइंड VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज, हमें फाइंड क्या करना है ओपन सर्किट वोल्टेज, चलो रिमूव कर दिया, ये दोस्तों 1 ओम था, यहाँ पे हमको चाहिए VOC, सही है, तो सबसे VOC हमें चाहिए मिल गया तो VTH मिल जाएगा, चलो देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले बात आती है कि चलो ठीक है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्राफ्ट कैसे निकलेगा VOC, तो वोल्टेज ड्राफ्ट कैसे निकालोगे दोस्तों, कहोगे टोटल करंट मिल जाए हमको, और सर जी करंट भी मिल जाए और ड्राफ्ट इस वाला सर्किट में जो है 6 ओम प्लस 3 ओम का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट की बैटरी प्लस 3 ओम का जिसमें रेजिस्टेंस है, ये ड्राफ्ट मिल जाए, सही है, यानी COD में कर दो ऐसे, इसको मान लो ऐसे A, B, C, D, E और F, तो ऐसे कर सकते हो I टर्मिनल CD में ड्रॉफ, CD में वोल्टेज ड्रॉफ, यानी COD में वोल्टेज ड्रॉफ निकालना है, COD में, यानी COD के बीच, अरे सॉरी यहाँ पे COD नहीं मानेंगे, यहाँ पर करेंगे B और E में वोल्टेज ड्रॉफ। VOC निकालने के लिए इसमें वोल्टेज ड्रॉफ निकालें कितना होता है, तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉफ आपको निकालने के लिए I R चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले बात तो यही फंसती है कि I कैसे निकाले, कैलकुलेट हाउ द करंट, यानी ये जो करंट है ये कितनी होगी, ये बैटरी दोस्तों थी 12 वोल्ट की, आप समझिए डबल बैटरी है तो हमें ध्यान देना है, इससे घबराना नहीं है। अगर दोस्तों आप एक बात देखोगे कि अगर कोई भी बैटरी इससे करंट अगर कोई फ्लो हुई होगी पॉजिटिव से, तो ये आपको पता है ओपन सर्किट, इस रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं है, ये ओपन सर्किट है। अब पता है आपको जब ओपन सर्किट है तो करंट ऐसे ही मूव करके आ जाएगी, इधर बटेगी नहीं, यानी सीरीज में सारे चीज़ लगे हैं, सही है, चलो इतनी बात समझ में आई, चलो
तो के अप्लाई द केवीएल, अप्लाई द केवीएल। दोस्तों थोड़ा सा केवीएल लगाते हैं कैसे। देखो हमने आपको एक बात बताई थी कि दोस्तों अगर हम किसी बैटरी सोर्स से ऐसे लूप लेके चलते हैं, ऐसे लूप ले लिया हमने, तो जब माइनस से प्लस में गए तो प्लस लिखते हैं, प्लस 12, फिर आई इंटू आर टू, ये देखो ड्राफ्ट निकालते हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी इसी डायरेक्शन में, तो साइन माइनस लगाएंगे, 3i हो जाएगा दोस्तों। फिर मूव करके यहाँ आया, मूव करके यहाँ पे आया, तो दोस्तों देखो प्लस से माइनस में गया, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस प्लस में माइनस में जाएंगे तो माइनस 6 ले लिया। फिर मूव करके इधर आया, यहीं करंट जाएगी तो दोस्तों माइनस 3i हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0, क्योंकि मूव करके फिर यहाँ पे आ गए, जहाँ से चले वहीं से आ गए। ठीक है दोस्तों, एक क्लोज लूप बन गया, एक केवीएल अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ से देखो कुछ बन जाएगा आपका, 12 माइनस 6 बन गया, दिस इक्वल टू 3, यानी 3 6 हो जाएगा, 6i हो जाएगा, सही है। यानी यहाँ से कह सकते हैं 6i इक्वल टू 6, या i इक्वल टू 6 अपॉन 6 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमें करंट मिल गई 1 एम्पियर, इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही, 1 एम्पियर, सही है। तो देखिए 1 एम्पियर ना, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इनटू, देखो दोस्तों 1 एम्पियर करंट प्लस इनटू 3 ओम का रेजिस्टेंस, तभी तो ड्राफ निकालोगे आई इंटू आर। ड्राफ होता क्या है, ड्राफ अगर बात की जाए आई इंटू आर होता है, अगर इसको 3 ओम में लिख दोगे ना, आर 3, ऐसे 3 लिख सकते हैं कि 3 में, तो डायरेक्ट दोस्तों हम इसको कर सकते हैं ना कि 1 इंटू 3 प्लस, ये भी तो 9 वोल्ट है इसी में, तो क्योंकि देखो दोनों टर्मिनल सेम है, तो दोस्तों देखो यहाँ प्लस इसको भी जोड़ोगे 6 वोल्ट, सही है ड्राफ। तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज ड्राफ, यानी 3 प्लस 9 हो गया। दोस्तों देखिए VOC आ गया 9 वोल्ट, यानी VOC कह सकते हैं, या इसको दोस्तों बोल सकते हैं VTH बराबर 9 वोल्ट। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं, हमको अगर VTH मिल गया तो हमें क्या चाहिए, RTH। अब दूसरा सेकेंड केस में देखना हमें दोस्तों, फाइंड RTH। अब फाइंड RTH के लिए हमने बता दिया कि बैटरी को रिमूव कराना है, और बैटरी को रिमूव करा के करना क्या दोस्तों, कि हमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है तो उसको सर्किट में ही छोड़ना है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम और सारे रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। देखिए देखिए अब हमें अगला केस क्या था, सेकंड केस की बात करेंगे। सेकंड केस हमारी आ जाएगी रिमूव बैटरी। अब दोस्तों क्या करना है हमें, रिमूव बैटरी, बैटरी को क्या करना है, रिमूव कर देना है। चलिए बैटरी को रिमूव कर देना है, और सर्किट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, यानी परिपथ को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। सर्किट देखिए ऐसे, बैटरी हटा दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, दिस इज आर रेजिस्टेंस 3 ओम का है, ये हमारा यहाँ भी हमने शॉर्ट कर दिया, देखिए ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, सही है। बैटरी हटा दिया मतलब एक तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस है। हमने आपको बताया कि अगर आपको RTH चाहिए तो आपको कुछ इधर से देखना पड़ेगा RTH फाइंड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों अगर हम RTH बात कर रहे हैं, RTH फाइंड कर रहे हैं, तो हो जाएगा देखिए, जब यहाँ से देखेंगे इधर से, तो ये दोनों आपको पैरलर में, क्योंकि अब यहाँ पे कोई आगे नहीं है सीरीज में, दोनों पैरलर में हैं। तो दोस्तों अगर ये दोनों पैरलर में हैं तो दोस्तों 3 पैरलर 3, तो दोस्तों 3 पैरलर 3 का मतलब है कि हो जाएगा 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 या 9 अपॉन 3 3, कितना हो जाएगा 6, सही दोस्तों। इसको कितना लिख सकते हैं, हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों 6 5 6 हो जाएगा, और 3 आएगा 6 2 12 36 18 6 5 30, 1.5 ओम आ गया। आप वैसे भी पता है दोस्तों, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, मैंने सीरीज पैरेलल बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आधा हो जाते हैं, सेम हो तब, ऐसा नहीं कि 2 और 3 वाला है उसको आपने आधा कर दिया, आधा कैसे करेंगे। सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, 4 4 ओम के हैं तो 2 हो जाएगा, 5 5 के हो तो 2.5 हो जाएगा, 6 6 हैं के तो 3 हो जाएगा, यानी सेम रेजिस्टेंस है उसका पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, अगर सीरीज में होते हैं तो दोना हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आधा हो गया 1.5, लेकिन हमें एक तरीका आपको बताना है, सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए अब इधर देख रहे हैं तो इसको भी, अब इन दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक बन गया, और एक रेजिस्टेंस ये, यानी 1 ओम का ये, तो दोस्तों टोटल जो RTH आपका आ जाएगा, RTH 1 प्लस 1.5 इक्वल टू हो गया 2.5 ओम। देखिए दोस्तों आपको 2 ओम 2.5 ओम मिल गया रेजिस्टेंस VTH,
और 9 वोल्ट की बैटरी मिल गई, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बन जाएगा दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट दोस्तों, आपकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनती है कुछ ऐसे बनेगी। देखिए ये हमारे पास मिल गया 9 वोल्ट, कितना बोल गया दोस्तों 9, दोनों बैटरी को हमने दोनों सोर्स को एक बना लिया जिसको बोला थेवेनिन वोल्टेज, क्या बना लिया दोस्तों थेवेनिन वोल्टेज, और ये हुआ 9 वोल्ट, कितना दोस्तों 9 वोल्ट, और हमने बोला जो भी रेजिस्टेंस था हमारा उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बना लिया, और उसको क्या बोला दोस्तों हमने, उसको बोला हमने RTH, कितना निकाला हमने दोस्तों 2.5, और हम इस भाई साहब को बुला लिए अपने घर में, देखिए ऐसे ये था 4 ओम। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें अब करंट कितनी होगी, तो अब देखिए करंट कितनी आसानी से निकल जाएगी, आई निकालना है तो दोस्तों 9/ ये दोस्तों टोटल, क्योंकि VTH फार्मूला क्या होता है आपका, जो अगर देखा जाए VTH/RL+RTH, चाहे RTH+RL कर लीजिए, VTH आपके 9/2.5+4=9/ ये हो जाएगा 6.5 दोस्तों। अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आंसर हो जाएगा, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करा दें कि हो जाएगा 90/65, यानी कि अंदर 65 यानी 90 दोस्तों 1 point something आएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सही है आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, टोटल जो करंट आएगी 1 point something आएगी। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, तो दोस्तों हमने आज क्या देखा, हमने देखा थेवेनिन प्रमेय होती क्या है और थेवेनिन प्रमेय से क्वेश्चन कैसे आते हैं, सही दोस्तों। तो आई होप हमारा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगती हैं, तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से बात करता जाऊँगा कि नोट्स ज़रूर बनाएं, आप चीज़ों को पढ़िए तो नोट्स ज़रूर बनाइए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।